मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा का अपराजेय योद्धा माना जाता है। 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस सीट से कमलनाथ को उम्मीदवार बनाया था और जनता से अपील की थी कि वो कांग्रेस के नेता को नहीं बल्कि उनके तीसरे बेटे यानी कि कमलनाथ को वोट देकर जिताए। 1980 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट से युवा कमलनाथ ने जनता पार्टी के प्रतुल चंद द्विवेदी को पराजित कर अपनी पहली जीत हासिल की थी। जीत का ये सिलसिला कभी कमलनाथ का तो कभी उनकी पत्नी अलका नाथ का रहा और अब उनके बेटे नकुल नाथ का है। लेकिन 1980 से लेकर 2019 के बीच में एक ऐसा मौका भी आया जब कमलनाथ के गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ का सिक्का नहीं चला। हम बात कर रहे हैं 1997 के लोकसभा उपचुनाव की। दरअसल इंदिरा गांधी ने साल 1980 में 1952 से लगातार सांसद रहे गार्गी शंकर मिश्र की जगह कमलनाथ को उम्मीदवार बनाया था और कमलनाथ विजयी रहे थे। साल 1980 से लेकर साल 1991 तक 4 बार छिंदवाड़ा से कमलनाथ सांसद रहे। लेकिन साल 1996 में कमलनाथ का नाम हवाला कांड में सामने आया। हवाला कांड में नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया बल्कि कमलनाथ की जगह उनकी पत्नी अलका नाथ को उम्मीदवार बनाया था। छिंदवाड़ा की जनता पर कमलनाथ का पूरा भरोसा था और जनता ने भी उनका साथ दिया और उनकी पत्नी अलका नाथ ने बीजेपी के चौधरी चंद्रभान को लगभग 21,000 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की। कमलनाथ अपनी पत्नी को छिंदवाड़ा में जीत दिलाने में सफल रहे लेकिन वो सांसद नहीं बन पाए थे। इस कारण सांसद ना होने के नाते दिल्ली में मिला एक बड़ा बंगला उन्हें खाली करने का नोटिस दिया गया। कमलनाथ चाहते थे कि ये बंगला उनके हाथ से ना निकले। उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की लेकिन क्योंकि अलका नाथ पहली बार सांसद चुनी गई थी इस कारण उन्हें वह बंगला आवंटित नहीं किया जा रहा था और कमलनाथ किसी भी कीमत पर वो खास बंगला छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे में कमलनाथ ने बंगले की खातिर अपनी पत्नी अलका नाथ से सांसद पद से इस्तीफा दिलवा दिया। उसके बाद साल 1997 में छिंदवाड़ा में लोकसभा के उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में कमलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार बने। तब तक कमलनाथ हवाला कांड से बरी हो चुके थे। कमलनाथ को पूरी उम्मीद थी कि वो छिंदवाड़ा में फिर से अपनी जीत का इतिहास दोहराएंगे। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पूरे देश में ये चर्चा थी कि कमलनाथ का जीतना तय है लेकिन बीजेपी ने उस चुनाव में एक बड़ा दांव खेला और बीजेपी के बड़े नेता सुंदरलाल पटवा को कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा में चुनावी मैदान में उतार दिया। सुंदरलाल पटवा के कमलनाथ के खिलाफ उम्मीदवार बनने से यह सीट हाई प्रोफाइल बन चुकी थी। पूरी मीडिया का ध्यान इस सीट पर था। बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा बनाया कि जब कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ छिंदवाड़ा से सांसद थी तो फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। ऐसे में छिंदवाड़ा में बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ हवा बनाने में कामयाब रही। लोग भी कहने लगे कि इस बार छिंदवाड़ा से कमलनाथ को हराएंगे चाहे अगली बार फिर से उन्हें जिता दें। चुनाव प्रचार के दौरान 73 साल के पटवा और युवा कमलनाथ के बीच जमकर मुकाबला हुआ। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जोर शोर से प्रचार किया। इस बीच खुफिया रिपोर्ट में मतदान के दौरान हिंसा की बात भी सामने आई। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को 38,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। हालांकि 1998 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने बड़े अंतर से सुंदरलाल पटवा को हराकर अपनी हार का बदला ले लिया। इसके बाद से कमलनाथ की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ी। अपने जीवन की इस एक हार ने कमलनाथ को आत्मविश्लेषण करने का मौका दिया। उसके बाद उन्होंने हार के कारणों को जाना और फिर वो छिंदवाड़ा से अपराजेय बन गए। उस चुनाव के बाद कमलनाथ फिर कभी छिंदवाड़ा से नहीं हारे। बीते लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी तब भी कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ कांग्रेस के एकमात्र ऐसे उम्मीदवार रहे जिन्होंने छिंदवाड़ा से जीत हासिल की थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस कमलनाथ के गढ़ पर जीत दर्ज करने का है। अब देखना होगा कि बीजेपी 1997 वाला इतिहास छिंदवाड़ा में फिर दोहरा पाती है या नहीं।